नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति की। अक्सर आप YouTube पे सुनते होंगे, ये उपचार करिए धन की वर्षा होगी। लेकिन आपने बहुत सारे उपचार किए होंगे और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई होगी, क्योंकि ढेर सारे ऐसे उपचार हैं जो आज के टाइम में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनमें जो तत्व प्रयोग किए जा रहे हैं, जो सामग्री प्रयोग की जा रही, वह शुद्ध नहीं है और जो लोग कर रहे हैं उनकी एकाग्रता का स्तर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं या कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कलयुग में भी काफ़ी प्रासंगिक हैं, जिससे घर में लक्ष्मी की वृद्धि देखी गई है। मेरा लगभग 10 से 15 साल 20 साल का जो अनुभव रहा ज्योतिष और ज्योतिष के उपचार में, उसी के आधार पर आज हम आपको एक विषय के बारे में बताएंगे जिसे आप कब शुरू करें और कैसे करें, आपको लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी। हम बात कर रहे हैं कनक धारा स्त्रोत की। कनक धारा स्त्रोत के बारे में ऋषियों ने लिखा है, इस स्त्रोत को करने से घर में सुख समृद्धि और कहीं न कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहने को तो कहा जाता है कि सोने की बारिश होगी। सोने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आपके घर में सोना गिरने लगेगा, लेकिन ये पूरा होता है कि आपके जीवन में धन आगमन बढ़ जाएगा, कहीं न कहीं से कर्ज की स्थिति से छुटकारा मिलने लगेगा, रोजगार के नए साधन शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो दुकान खोले हैं, बिजनेस डाले हैं, लेकिन उनको पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर वो कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो लक्ष्मी उनको अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। अब करने की बात देखिए, कभी भी किसी भी पाठ को पहली बार जब आप शुरू करें, कोशिश करें किसी शुभ मुहूर्त से शुरू करें। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आपको शुक्रवार होना जरूरी है। कनक धारा स्त्रोत अर्थात लक्ष्मी का स्त्रोत है, इस दिन आप जरूर शुरू करें और शुक्रवार इसमें विशेष प्रधान है। कभी कभी दीपावली या होली या ऐसे बहुत सारे अक्षय तृतीया मुहूर्त हैं जिस दिन आपको दिन ना देखकर शुभ दिन, ये डेट तिथि ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन नॉर्मली आप ऐसे ही अगर शुरू करना चाहते हैं तो पंचांग में जरूर देखें कि शुभ मुहूर्त क्या है और आप संकल्प जरूर पढ़ें और जो भी स्त्रोत आप करें, दीपक जलता हुआ जरूर रखें और वो भी कोशिश करके घी का दीपक हो। और माता जी को सफ़ेद भोग पसंद है, आप जरूर खाएं और उस दिन खट्टे का निषेध करें। विशेष तौर से आप देखेंगे और क्रीम कलर का या चमकीला वस्त्र धारण करके अगर आप इस स्त्रोत को करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ही दिन में, लगभग 40 से 45 दिन बाद ही आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने लगेगी, आपको धन के नए नए स्रोत दिखने लगेंगे। पूरे भाव से एक लंबे समय तक अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी। कनक धारा स्त्रोत केवल आर्थिक ही नहीं आपको लाभ देता है, परिवार धन, समाज का धन, शरीर का धन, जितने तरह के धन हैं, हेल्थ इज वेल्थ, वो सब आपको कनक धारा के माध्यम से प्राप्त होगा। बस इसको करते हुए माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा सामने रखिएगा। अगर प्रतिमा नहीं रहती है तो माता के स्वरूप को मन में जरूर रखिएगा। वैसे अगर आप प्रतिमा रखते हैं तो माता की कृपा अति शीघ्र आपके परिवार पर, आपके ऊपर होगी और घर में जो भी लक्ष्मी का अभाव है वह समाप्त हो जाएगा। वास्तु में उत्तर दिशा की को लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो कोशिश करके इस पाठ को आप पूरब या उत्तर दिशा में ही मुख कर करें तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा।
पूरब इसलिए मैंने कहा, शुभ कार्यों के लिए पूरब दिशा श्रेष्ठ होती है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी की दिशा की बात की जाए तो वह उत्तर दिशा में श्रेष्ठ होती है। सूर्य की उपासना करनी हो, यश कीर्ति की उपासना करनी हो, तो आप पूरब दिशा में करें मुख करके। नहीं तो अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान आप करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। छोटी कन्याओं और सुहागन औरतों को प्रसाद जरूर खिलाएं, उनको छोटे छोटे गिफ्ट जरूर दें। आप देखेंगे आपके पाठ की एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरा होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं छोटी कन्याएं या सुहागन औरतें। अगर किसी टाइम आपने पाठ किया या पूजा किया, उसी समय कोई सुहागन औरत आपके घर में आती है, तो समझिए माता ने एक स्वरूप धारण करके आपके घर में आगमन किया है। और पूरे भाव और निष्ठा से उनका सम्मान करें, उनको जो भी यथाशक्ति आपके घर में है उनको खिलाएं। यह कृपा अगर आपके ऊपर होती है तो यह बड़ी श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस वीडियो में हमने करने का तरीका, दिशा और इसके लाभ के बारे में बताया। यह लाभ मेरे जीवन का अनुभव है, कोई किताब की पढ़ी हुई बात नहीं है। मेरे गुरु ने मुझको बताया था कि इस पाठ से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को आप मैजिकल या बड़ी लालायता से ना किया करिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा फल की इच्छा करते हैं उतना ही फल में कमी आती है। भाव और इच्छा शक्ति से आप करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कुंडली दिखवाना है या अपने वास्तु के बारे में जानकारी लेनी है तो दिए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।